बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ाहिश वयतो है। मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के माथे का झुमर वादी खपलू से है। पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ बीच में हम हैं, मिसाल गोहर नयाब की हम पत्थर में रहते हैं। इन द माउंटेनस हेडन वैली ऑफ बल्तिस्तान एग्जिस्टिंग इन द स्केट्स बोथ ग्रेट कराक्रम इन हमालिया। सिलसिला कराक्रम, सिलसिला हिंदुकश को है हमालिया के दामन में जो बसते हैं, जिसका नाम गिलगित बल्तिस्तान है। आज हमने गिलगित बल्तिस्तान की टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, गिलगित बल्तिस्तान को दुनिया में दिखाने के लिए और वहाँ की जो ख़वातीन और जो बल्ती जबाँ है, इनके हवाले से हम खसूसी हम एक मेहमान लेकर आए हैं, रिदा खानम साहिबा, जो कि एक ब्लॉगर भी हैं और जो GBT न्यूज़ HD का न्यूज़ एंकर भी है। तो हम रिदा खानम साहिबा से पूछते हैं कि रिदा खानम साहिबा, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के जो अनएक्सप्लोर जो एरिया है, हम इसको एक्सप्लोर कैसे करें और वहाँ की जो ज़बान है, सकाफत है, इनको हम कैसे महफूज रखें। सबसे पहले ज़ाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया। तो मेरा ताल्लुक बेसिकली मछलू से है और मैं एक व्लॉगर हूँ और इसके साथ साथ GBT True News HD पर एज ए न्यूज़ एंकर काम कर रही हूँ। तो टूरिज़म के हवाले से अगर मैं कहूँ तो टूरिज़म के हवाले से सबसे पहले ये जो हमारी अनएक्सप्लोरिंग एरिया है, जैसे हुशे वैली और सियाचन वैली, उनमें काफ़ी झील पहाड़ वगैरह है लेकिन वो अनएक्सप्लोरिंग एरिया है। तो सबसे पहले चाहिए कि उनको एक्सप्लोर किया जाए और उसके बाद जो हमारे गाँव में जो खवातीन और जो मर्द हैं, उनको चाहिए कि मिलजुल कर काम करें, ताकि मिलजुल कर काम करने से ही आगे माशरा तरक्की करते हैं। अगर हम बात करें जो हमारे कल्चर और हमारी जो ज़बान ख़त्म होने की जो मेन वजह है ना, मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। वो ये है कि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो गिलगित बल्तिस्तान से शहरों की तरफ आते हैं, सेटल होते हैं अपनी फैमिली के साथ। उसके बाद जो घर के जो बड़े होते हैं, वो अपने बच्चों को कहते हैं कि आपने घर में बल्ती ज़बान यूज़ नहीं करनी, आपने उर्दू बोलनी है। इसकी वजह से वो बच्चा वो उर्दू लैंग्वेज उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो इलाकाई ज़बान है बल्ती, वो बच्चा भूल जाता है। वो ना ही वो बोल पाता है, ना ही वो सुन पाता है। उसकी वजह से वो बल्ती ज़बान को बिल्कुल ही पीछे छोड़ देता है। इसलिए घर में जो बड़े हैं, जो ख़वातीन जो मर्द होते हैं, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि अपने बच्चों को जितना हो सके बल्ती ज़बान उनको बोले उनको लिखना सिखाएं, ताकि वो अपनी बल्ती ज़बान की वैल्यू को वो समझ सकें। तो सबसे गुजारिश यही है कि आप लोग बल्ती ज़बान को यूज़ करने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, तो इसी वजह से हमारे जो कल्चर है वो आगे जा सकते हैं, वरना पीछे ही रह सकते हैं। सुमत पिले वाहत ख्यांगे जन्मो न सलाम जब वना रिदा खानम साहिबा याला मुजिन जो लेखिर गशा सख्यात पोइन लेखिर गशा बल्ती युल पोइन खुसूसन यां दे युली वादिये मचलू बल्तिस्तान लेखिर गशा मलसोंगने मचली यां चां खलना यां अस्तस नारे हल दिकुंस कराक्रमी देर गशा ब्रागमु मचलू नु चिमत मचलू खुसूसन मिंदोक यस्पी वाखला मचलू मिंदोक शुम भी वाहला चिली लोंगा शुम भी वाहला मचलू लेखी रगसगवत दिनमी वासन जरत पा सथांग शहर सथांग शहरी गोय का याला मचलू थोमिन हल दी देर गुपी वासी राजी खर कुनी बरी न याला मचलू याला थोमिन सुरमो युचुंगे यहाँ छोर बटे गा इलाके न सोना याला मचलू थोमिन हंजोर ब्रोगे देर गशा मल सोने का न याला मचलू थोमिन वना यहाँ मचली अति भोंगे यहाँ मचलू न फेरो लियो मचली सयाहत पो मछली दिर गसा युल पो ला दुनिया ला थों चिपल मछली ची ची जर बो यहाँ जी कसर दो चाजर बना यहाँ उर्दू तागने तुम अम्मा यहाँ जो बल्ती नो जर बो सा चाजर बना यहाँ मछली नस्के सत यहाँ बल्ती युली यहाँ बोइन बने यहाँ ची कसर दो। अगर मछली नोंगा से टूरिज्म के हवाले से जैन मछली नो एक खानका एक मछली खानका काफ़ी मिलना पता तो कितना पुराना है और काफ़ी अंदर से भी काफ़ी प्यारा है। तो सफ चन और इसके साथ अगर ना से मछली ब्रोक माताना ब्रोक पहला गई ना वे रोड में थी, लेकिन इस दफ़ा रोड चन और काफ़ी हद तक रोड पचन अगर अंगा था मछली ब्रोक लसन मछली ब्रोक के ना ताला केटू चोटी थोंगत और मछली ब्रोक पिसंग काफ़ी खूबसूरत है। और इसके साथ अगर मछली माता ड्राई फ्रूट्स माता ना मछली नु चुली अच्छा फड़ी कुछ मतलब इस टाइम के ड्राई फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा थे। तो फिर जितना गुजारिश में की इस दफ़ा सर्दियों में सागर गता मछलू सोन मछलू ईशन घषित हो, तो आप लोग जाएँ जाके मछलू यता शेयर बस।
आखिर में मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे औरतों के हकूक के टॉपिक पर बोलने का मौका दिया, और जिस तरह आप प्रोग्राम कर रहे हैं अल्लाह आपको तौफीक दे, आप इससे भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लेके आएँ ताकि औरतें जो हमारी घर में बैठी हैं वो कुछ कर सकें आपके वीडियो से इंस्पायर होकर। तो थैंक यू सो मच।